तो दोस्तों शाम के 5:30 बज रहे हैं। वीडियो जहाँ से मैंने ना ख़त्म करी थी वहीं से हमने स्टार्ट किया है। और आज है 15 अगस्त, शाम का समय है, तो यहाँ पे पिज़्ज़ा पार्टी हो रही है। पिज़्ज़ा आया हुआ है तो पिज़्ज़ा पार्टी किया जा रहा है। और आज का जो भी शाम का खाना है वो प्रिपरेशन सारा तैयार हो चुका है। तो आज पति देव ही बनाएंगे आज खाना शाम का। तो आज आलू मटर पनीर की खिचड़ी बनाएंगे, पुलाव टाइप का। यहाँ पर मैंने चावल भिगो के रख दिया है और मसाला सब अपने अकॉर्डिंग सब निकाल के, मतलब एक जगह रखे हैं उन्होंने कि कोई परेशानी ना हो बनाने में। और यहाँ पे खड़ा मसाला ले रखा है, मक्खन ले रखा है और किचन के जो रेगुलर मसाले वो ले रखे हैं। तो पति देव मेरे बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, बहुत ही बेस्ट बनाते हैं, बहुत बढ़िया बनाते हैं। कभी कभार मेरा मन नहीं होता ना बनाने का तो मैं उनको कह देती हूँ तो बना देते हैं। तो आज मैं सुबह से ही लगी हुई थी खाना बनाने में और मैं थक भी चुकी थी। तो मैं बस एक बार मैं इनको बोल देती हूँ ना कि आप खाना बना दो तो ये मना नहीं करते, बना देते हैं और बहुत अच्छा बनाते हैं। और इनके हाथ का खाना ना बहुत अच्छा लगता है, मतलब खाने में वैसे कहना तो नहीं चाहिए, बहुत अच्छा बनाते हैं। और यहाँ पे उन्होंने ना मतलब मस्टर्ड ऑयल डाल दिया है और जीरे और खड़ा मसाले का तड़का लगा दिया है। उसके बाद से मतलब टमाटर और सब्जी वगैरह जो है मटर आलू वो भी डाल दिए हैं। और ऊपर से ही उन्होंने किचन का जो रेगुलर मसाले वो डाल दिए हैं अपने अकॉर्डिंग। और इसमें बस चावल मटर और क्या कहते हैं पनीर मिलाकर और पानी डाल, मतलब सिंपली बनाए हैं और बहुत बढ़िया टेस्टी बना था। जब हम लोग खाए थे ना तो बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत यम्मी लग रहा था। और सब्जी भी ये बहुत अच्छा बनाते हैं। तो ये कैमरे में आना पसंद नहीं करते हैं लेकिन हाँ खाना बहुत अच्छा बनाते हैं। और फिर ऊपर से इन्होंने ना मक्खन ऐड कर दिया था। और बस 2-3 सीटी ले लिया जाएगा, उसके बाद से ना क्या कहते हैं मैं छत पे चली आई। और दिन में तो हर कोई पतंग उड़ाता ही उड़ाता है, शाम के टाइम बस ये लैंप वाली जो पतंगें होती है ना, आप लोग के यहाँ क्या कहते हैं, मुझे तो ये लैंप वाली पतंगें, मेरे को मालूम है कि लैंप वाली पतंगें हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं, मैं नाम भूल गई, बहुत अच्छा नाम है। और देखिए कितना अच्छा ये कैंडल टाइप का ये पतंगें मतलब उड़ रही हैं, इतना सुंदर लग रहा है, ऐसा लग रहा है जुगनी सब, मतलब जुगनू आसमान में दिखाई दे रहे हैं ऐसा लग रहा है। हमारा तिरंगा देखिए इस समय कैसा नज़र आ रहा है छत पे का। तो मैं और प्रियांशी ही हैं छत पे और बाकी सब अपने अपने छत पे हैं जो ये पतंगें उड़ा रहे हैं। तो यहाँ पे ना मतलब दही ख़त्म हो चुका था ना तो कृष्णा लेके आया था, तो पति देव रायता बना रहे हैं बूंदी वाला, तो बस वो अपना लेके बैठे हुए हैं। तो दही ले लिया, इसके अंदर ना जैसे हम लोग रेगुलर जैसे हम बनाते हैं, मतलब आमतौर पर जैसे बनाते हैं रायता, वैसे ये नमक ऐड कर दिया, लाल मिर्च पाउडर ऐड कर दिए हैं और हल्का सा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड कर दिए हैं। और इसी जैसे हम बूंदी लाते हैं ना तो मार्केट से जो हम बूंदी लाते हैं पैकेट वाले रायता वाला, उसके अंदर ना एक उसमें डालने वाला चाट मसाला भी होता है, मतलब रायता वाला मसाला होता है, तो वो भी इसी में था, तो वो भी इसी में कट करके उन्होंने डाल दिया है। और फिर इसमें तड़का लगाया जाएगा, तो मेरे को ना बहुत कम पसंद आती है तड़के वाले रायता और मेरे पति देव को पसंद आती है तड़के वाली रायता, मुझे पसंद नहीं आती है। और वैसे भी ना मुझे खट्टी चीज़ बहुत मैं कम ही खाना पसंद करती हूँ। तो फिलहाल में उन्होंने बहुत अच्छा बनाया था, रायता भी बहुत अच्छा लगा, खिचड़ी पे रायता बनाए थे, चटनी भी था और रायता भी था। तो बस यही था हम लोग का शाम का डिनर, जो ये लंच शाम का जो डिनर है वो पति देव ने ही बनाया था। और ये देखिए तड़का लगा दिए हैं इसके अंदर, जीरा और लाल मिर्च एक साबुत डाला है इसके अंदर। और फाइनली हमारा खाना रात का डिनर जो है वो पूरा बन के रेडी हो चुका है। और आप लोग भी आइए हम लोग के साथ एंजॉय कीजिए और आप लोग बताइएगा कि आप लोग का दिन कैसा गया, आप लोग ने कैसे एंजॉय किए। और आज है नेक्स्ट डे और सुबह के 6 बज रहे हैं और आज है एकादशी, तो एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। तो फ्रेंड मैंने कोई एकादशी का व्रत नहीं रखा है और मैं अभी हमारे घर में भी पूजा मतलब भी मना है करना और मैं वैसे भी सही नहीं हूँ। और यहाँ पर मैं ना करेले की सब्ज़ी आज बनाऊँगी
बनाऊंगी, मतलब भुजिया। और एक तरफ मैंने चाय रख दिया है बनने के लिए, क्योंकि आज हस्बैंड जी को ऑफिस भी जानी है, तो टिफ़िन की भी मतलब टिफ़िन की भी तैयारी करनी है। प्रियांशु को भी स्कूल जानी है, तो प्रियांशी की टिफ़िन की भी तैयारी मतलब टिफ़िन की भी तैयारी मुझे करनी है। तो यहाँ पर बस मैंने मेथी और साबुत एक मिर्च मैंने डाल दिया है, इसी में प्याज मैंने ऐड कर दिया है। और करेले को जब मैंने कट किया था ना, तो करेले में ना थोड़ा सा ऊपर से ही मैंने नमक डाल के छोड़ दिया था आधे घंटे के लिए, जैसे कड़वाहट होती है ना करेले की, वो जैसे कि कम हो जाए। तो फिर करेले को मैंने धो दिया है, धो के मैंने इसी में ऐड कर दिया है। और बस धीमी आंच पर इसको मैं भूनूंगी और अच्छी तरह से इसे पकाऊंगी। तब तक ये बनता रहेगा, तब तक मैं चाय बन चुकी है एक तरफ, उसको मैंने ढक के रख दिया है। और अभी बच्चे सो ही रहे हैं, अभी प्रियांशु को उठाना भी है मेरे को, तो यहाँ पर ना बस टिफ़िन की तैयारी कर रही हूँ। तो आलू मैंने बॉयल नहीं करी थी, आलू को मैंने घिस के और धनिया का पत्ता, अजवाइन और लाल मिर्च पाउडर ऐसे सिंपली मैंने आटे में ऐड कर दिया है। और इसी में ही सब मसाले हल्का सा लाल मिर्च पाउडर ही ऐड करूँगी, ज़्यादा तीखा नहीं डालूँगी, नहीं तो फिर वो खा नहीं पाएगी। और इसी में हल्का सा चाट मसाला मैंने डाल दिया है और नमक डाल दिया है। और इसको मैं ना माड़ लूँगी अच्छी तरह से, गूँथ के रख दूँगी। और सिंपली आटा भी लगाऊँगी, क्योंकि मुझे रोटियाँ भी बनानी है और प्रियांशी के लिए और कृष्णा के लिए पराठे बनाने, जिसे चाय पे भी खा लेंगे और टिफ़िन में भी लेके चले जाएँगे। तो चले फ्रेंड, फटाफट से मैं आटा का डो लगा लेती हूँ और उसके बाद से मैं आप लोग से मिलती हूँ। दोस्तों फाइनली सब्जी बन के रेडी हो चुकी है और बन गई, मतलब बन चुकी थी। उसके बाद मैं प्रियांशी का टिफ़िन लगा के प्रियांशी को स्कूल भेज के और मैं सीधा आई हूँ कपड़े डालने छत पे, क्योंकि बारिश जैसा मौसम हो रहा है, कभी हो रहा है कभी नहीं हो रहा है, कभी धूप हो रही है कभी बारिश जैसा मौसम है। तो मैंने सोचा जल्दी पहले कपड़े मैं सुखा लूँ, वैसे ही मैंने मशीन में ही धोई थी, तो मैंने छत पर फैला दिया कि थोड़ा धूप लग जाए, नहीं तो ना इसमें से ना बारिश की वजह से ना अगर गीले कपड़े होते तो बहुत स्मेल आने लग जाती है कपड़े से, तो इसलिए मैं इसमें धूप दिखा दे रही हूँ। उसके बाद मैं नीचे जाऊँगी तो फिर मैं ना रोटियाँ बनाऊँगी, जो बचा के रखा है ना आटा, तो वो बनाऊँगी, तो फिर कृष्णा के लिए हो जाएगा, कृष्णा भी खा लेगा, मैं भी खा लूँगी। और फिर कृष्णा के टिफ़िन के लिए भी तैयारी करनी है। और इस टाइम कृष्णा ट्यूशन गया हुआ है और प्रियांशी स्कूल और हस्बैंड जी भी अपने ऑफिस चले गए हैं, तो फिलहाल मैं ही हूँ। तो अब मैं कपड़े डालकर मैं नीचे आ चुकी हूँ, तो यहाँ पर मैं अब रोटियाँ बना रही हूँ, जो बची हुई थी आटा उसी के मैं बना ले रही हूँ फटाफट से। उसके बाद से जब कृष्णा आ जाएगा ना, तो फिर मैं और कृष्णा खाना खा लेंगे। तो चलिए फ्रेंड, पहले मैं रोटी बना लेती हूँ।
तो दोस्तों अब इस वीडियो को मैं यहीं पे ही ऐड करना चाहूँगी। उम्मीद करती हूँ आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय माता दी।